सबसे अच्छी बात तो ये हो गया कि अब सास और बहू दोनों ही एक ही कल्चर और एक ही पेशे से रहेंगी लोग। अब राहुल जी नेताओं पर भरोसा हटा करके अब नर्तकी पर भरोसा करना चालू कर दिए। जैसे आपके पिताजी ने सोनिया जी को अपना बना लिया, आप भी आज भारत की राजनीति में सपना को अपना बना करके राजनीतिक नई पारी की शुरुआत करें। ये बड़ी अच्छी बात है भाई। अपने राहुल जी भी अपने कुल परंपरा को आगे बढ़ाए, ये अच्छी बात है। उनकी माता जी भी इटली में इसी पेशे से थी और आज फिर सपना को भी उन्होंने अपना बना लिया। मैं तो धन्यवाद दूंगा राहुल जी को कि जैसे आपके पिताजी ने सोनिया जी को अपना बना लिया, आप भी आज भारत की राजनीति में सपना को अपना बना करके राजनीतिक नई पारी की शुरुआत करें, इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन भारत की जनता कभी भी नर्तकी को देश चलाने की इजाज़त नहीं देती। इसलिए देश चलाने की इजाज़त तो मोदी जी से चरित्रवान और ईमानदार नेता के हाथों में होगा। नर्तकी के आने से भारतीय राजनीति पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे खुशी है कि अब राहुल जी नेताओं पर भरोसा हटा करके अब नर्तकी पर भरोसा करना चालू कर दिए। अच्छा, तो सबसे अच्छी बात तो ये हो गया कि अब सास और बहू दोनों ही एक ही कल्चर और एक ही पेशे से रहेंगी लोग। तो अब कांग्रेस की जो कमान है अब एक स्वरूप, एक रूप और एक नक्शे से अब संचालित होगा। जहां सपना होगी वहां सोनिया होंगी, वहीं राहुल जी होंगे। तो ये अच्छी बात है।